अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मुनीब अहमद खरल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हैरियट ऑन कराची। व्यूअर्स, आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद है ग्राउंड फ्लोर के हवाले से। ग्राउंड फ्लोर के हवाले से आपको डिफरेंट वीडियोस जो है वो वसूल हो रही हैं कि ग्राउंड फ्लोर में एक्चुअली हमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा हासिल होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल खरल साहब, आज हमें कम्प्लीट जो है वो इसके बारे में ब्रीफिंग देंगे कि ग्राउंड फ्लोर से हमें क्या अफादियत जो है वो हासिल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुनीब। अच्छा मुनीब, जिस तरह से ग्राउंड फ्लोर की जो अहमियत है ना वो बताने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हम इसी दुनिया में रहते हैं और हर शहर में रहने वाले को पता है कि किसी भी ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएं आपको मल्टीनेशनल बैंक्स नज़र आएंगे, बड़ी बड़ी फूड चेन्स नज़र आएंगी। मॉल्स के अंदर अगर जाएं ना, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फूड कोर्ट का एरिया अलग से होता है। लेकिन अगर हम सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? मल्टीनेशनल बैंक्स आ जाते हैं, कंपनीज आके उनको ऑक्यूपाई करती हैं, उसके बाद आपकी फूड चेन्स, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर जिन लोगों ने बहरिया विज़िट किया हुआ है उन्होंने भी देखा होगा कि अभी मेन जेन एवेन्यू पे जब मैं एंटर होता हूँ तो जितने बड़े आइकन्स हैं बहरिया टाउन कराची के, जो बिल्डर्स हैं, जो रियल स्टेट का काम करते हैं, वो आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। प्लस उसके साथ साथ जैसे ही हम एंटर होते हैं तो सुजुकी का शोरूम हमें मिलता है। इस तरह के बहुत से शोरूम्स आने वाले दिनों में यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि ये हाईवे की वो वाहिद सोसाइटी है कि जहाँ पे आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। आपको इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं है, पानी का मसला नहीं है, गैस का मसला नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप देखें ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ग्रॉसरी स्टोर्स हैं हर पेशेंट के अंदर, शॉपिंग गैलरीज हैं, इम्तियाज़ मेगा मार्ट यहाँ पर दिया गया। सबसे बड़ी चीज़, दो चीज़ें जो हर सोसाइटी में आते आते बहुत टाइम ले लेती है, एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि सोसाइटी में होती ही नहीं है, एक तो स्कूल और दूसरा हॉस्पिटल। स्कूल तो फिर भी बन जाते हैं कि छोटे मोटे घरों के अंदर दो चार घर में ला के स्कूल बना दिया जाता है, तो यहाँ पे स्कूल भी मौजूद है। उसके बाद हॉस्पिटल है और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो ग्राउंड फ्लोर की हम बात कर रहे थे, थोड़ा टॉपिक से हट गए। तो आज का ख़रीदा हुआ ग्राउंड फ्लोर या जिन लोगों ने आज से दो साल चार साल पहले ग्राउंड फ्लोर्स ख़रीदे थे वो इस टाइम पे बहुत अच्छे रेंट्स जो हैं वहाँ से इन्जॉय कर रहे हैं। आप देखें कि मेन जेन एवेन्यू का अगर मैं ग्राउंड फ्लोर लेने के लिए जाऊँ तो मुझे 5 से 6 लाख मिनिमम रेंट यहाँ पे ऑफर होता है। अगर मैंने 2 या 3 करोड़ का तब अपना ये ग्राउंड फ्लोर लिया था और आज मुझे 5 से 6 लाख उस पर इनकम आ रही है रेंट की सूरत में, तो बहुत एक हैंडसम रेंटल इनकम है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, यहाँ पे 7 से 8 लाख 10 लाख तक भी रेंट जो है वो चार्ज किया जा रहा है। मिडवे में ग्राउंड फ्लोर पे रेंट की बात करें तो सेम यही सुनहरी है, 3.5-4 लाख आपको रेंट इजीली वहाँ से मिल जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर्स बेसिकली आपका मैं आम अल्फाज में कहूँगा एक टिकट की तरह होता है, जिसको कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी भी रेंट आउट कर सकते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ग्राउंड फ्लोर कम होते हैं, टॉप फ्लोर्स तो हर बिल्डिंग के अंदर मिल जाते हैं। आप मेन जेन एवेन्यू पे ग्राउंड फ्लोर देख लें, हर बिल्डिंग के अंदर आपको 2 से 4 ग्राउंड फ्लोर मिलेंगे, मैक्सिमम 5 ग्राउंड फ्लोर मिल जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर के अंदर अवेलेबिलिटी कम है, सिंपल सा रूल है कि सप्लाई और जब कम होगी एक चीज़ है कि उसकी सप्लाई कम है तो यकीनी सी बात है कि उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। ग्राउंड फ्लोर की डिमांड, 4 ग्राउंड फ्लोर एक बिल्डिंग के नीचे आ रहे हैं, अगर 10 इधर बिल्डिंग्स हैं तो मतलब कि मेरे पास 40 ग्राउंड के शोरूम्स पड़े हैं, जबकि बाकी 18th फ्लोर तक मुझे सेम वही चीज़ मिल रही है, तो वो तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में पड़े हैं। लेकिन ग्राउंड की डिमांड ज़्यादा आएगी, लोग उसको ज़्यादा करेंगे, और ग्राउंड फ्लोर किसी भी जगह का हो वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देता है। उसमें फूड चेन्स ने आना ही आना है। पीसेंट 10A की अगर बात करूँ या लिबर्टी कमर्शियल में, आप देखें पूरा रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ पे अगर आप ग्राउंड फ्लोर की आज बुकिंग करवाते हैं तो कल को ब्रांड्स को आपने वो लाजमी हैंडओवर करने हैं, उनको रेंट पे देने हैं। उनको अगर बेचने पे जाएंगे तो आपको अगर ऊपर वाले फ्लोर्स 2-3-4 हज़ार पर स्क्वायर फीट देके जाते हैं तो मनी ग्राउंड फ्लोर जो हैं वो आपका रिटर्न 20 से 50 हज़ार के करीब बनाते हैं। आज मेन जीना एवेन्यू पे हमें मिनिमम ग्राउंड फ्लोर 70 हज़ार से 1 लाख के दरमियान में मिलता है। अगर मैं लिबर्टी कमर्शियल या मिडवे की सराउंडिंग की बात करूं तो वहां पे मुझे 40 से 50-60 हज़ार पर स्क्वायर फीट के दरमियान में मिल रहा है, और यही चीज़ें हमें 20-25 हज़ार के अंदर भी ऑफ़र होती थी। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हमेशा आपको रेंट के हवाले से या वैसे रिटर्न के हवाले से बहुत अच्छे रिटर्न से कर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा इस हवाले से गाइड कीजिएगा, जो भी सिर्फ वेट कर रहे हैं कि मतलब देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे, तो उनका प्राइस का थोड़ा डिफरेंस कीजिएगा, कहा कि एक
10 साल 1.5 साल पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो तब प्राइसेस का क्या थे और अभी प्राइसेस क्या है, मतलब कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है? देखें उसमें एक छोटी सी बात करूंगा आपके साथ कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो मेन जीन एवेन्यू पे मुझे बुकिंग पे 6-7 हज़ार पर स्क्वायर फीट पे भी ऑफिस मिल जाता था, ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन विद इन वन ईयर सुनेरियो इस तरह से पूरी दुनिया के चेंज हुए हैं, मटीरियल कॉस्ट इस तरह से ऊपर गई है, लैंड कॉस्ट तो चलो ऊपर नीचे होती रहती है, मटीरियल कॉस्ट अगर आज मुझे 10 हज़ार पर स्क्वायर फिट आ रही है ना तो वो कम नहीं होगी, वो ज़्यादा ही होगी। 6-7 हज़ार पे मिलने वाली चीज़ें आज हमें 11-12 हज़ार पे ऑफर हो रही है, ठीक है, तो मतलब कि 5-6 हज़ार पर स्क्वायर फिट का डिफरेंस आया है। अगर मैं एक छोटी प्रॉपर्टी भी रखता हूँ ना 500 स्क्वायर फिट की, तो आप उसको देखें कि मुझे कितना वहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है, जो चीज़ 25 लाख की मिल रही थी वो 50 लाख की हो चुकी है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन रेट्स। कमर्शियल में या रेडी बिल्डिंग्स के अंदर इसीलिए कहा जाता है कि आप उसकी तरफ जाएं कि अगर लैंड कॉस्ट नहीं भी ऊपर जा रही तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो आपको प्रॉफिट देती रहेगी। तो वो ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला है और इसमें आपको आंसर मिल गया होगा इस चीज़ का। बिल्कुल जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि बिलाल साहब ने हमें जो है कम्प्लीट ब्रीफिंग दी ग्राउंड फ्लोर के हवाले से, तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, जजाकल्ला।